उनके लिए इतनी ही हजमियत काफी थी कि उन्होंने इस पार्लियामेंट के शुरू में ये फरमाया था कि वो इसी इजलास में जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है आर्टिकल 6 की करारदाद लाएंगे। और मुतअद्दिद मीटिंग्स के बाद अब जबकि उनकी पार्टी ने एक मुनासिब और बड़ा फैसला किया है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि उनको अपनी हजमियत और शर्म को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। हमारे पास वो सारी चीज़ें सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह इनकी क़यादतों ने एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन से राबते किए, क्या क्या वहाँ पर गुफ्तगू की उन्होंने, किस किस तरह उन्होंने मिन्नत समाजत की है, फिर उसके बाद किस तरह हमारे शहदा को कंपनसेशन दिया है। अब अगर हुकूमत कंपनसेशन देती है तो उसका मतलब यह है कि हुकूमत ये बात तस्लीम कर रही है कि जिन लोगों को नाहक शहीद किया गया है वो हुकूमत की गलती थी, वगरना तो वो कंपनसेशन नहीं देती। क्या बैतुल्ला महसूद को मारे जाने पर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा? तो जब एमक्यूएम के शहदा को कंपनसेशन दिया गया और बार बार हम पर यह इसरार किया गया कि आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी, हमने पाकिस्तान में अपने सियासी किरदार को सामने रखते हुए हमने जमहूरियत की खातिर, हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम उनके साथ और आगे बढ़ाया,